Hello friends, welcome to my channel and a new video related to the how to repair the corrupted video files and the photo files. हम फोटोग्राफर्स या हम वीडियोग्राफर्स की लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब हमारा हार्ड डिस्क या फिर हमारा मेमोरी कार्ड या हमारा लैपटॉप क्रैश हो जाता है और हमारा जो डाटा है वो करप्ट हो जाता है। हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों से या सॉफ्टवेयर से उन डाटा को रिकवर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ना एक या दो फोटोग्राफ ऐसी या वीडियो फाइल्स ऐसी रह जाती है जो उस करप्ट डाटा रिकवरी की वजह से बिल्कुल अनयूजेबल होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था इन 2011 जब मैंने अपनी एक स्कूल फ्रेंड की वेडिंग जो है वो कवर करी थी। एंड पूरी वेडिंग कवर करने के बाद जब मैं घर आया, मैंने अपने मेमोरी कार्ड को लगाया और जब मैंने उसको देखा तो जो मेरा मेमोरी कार्ड था वो मेरा लैपटॉप मेरा कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर रहा था, वो करप्ट हो चुका था। तो मैंने अपने एक फ्रेंड अविलास से बोला, उसने वो मेरा कार्ड जो है रिकवर किया, लेकिन उसमें से तब भी एक या दो फोटोज ऐसी थी जो बिल्कुल ही अनयूजेबल हो गई थी। तो उसमें से जो एक फोटोग्राफ थी वो थी ये वाली जो आप अभी देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। और ये फाइल अगर आप देखेंगे तो अभी आपको प्रीव्यू में तो सही दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसको खोलूंगा अभी एडोबी लाइटरूम के अंदर तो हम करते हैं इसको राइट क्लिक। मैं इंपोर्ट करने के बाद डेवलप वाले मोड पर जब जाऊंगा तो आप देखेंगे ये फाइल जो है, ये आधी फाइल जो है वो अनयूजेबल हो चुकी है क्योंकि वो उस जगह का जो डाटा था वो करप्ट हो चुका था। तो ये फाइल बिल्कुल ही आधी अनयूजेबल है अगर आप देखें तो। मैं अगर एडिट भी करूंगा इसे तो मेरा आधा पार्ट ही एडिट होगा, बाकी जो आधा पार्ट है जो करप्ट हो चुका है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो आज हम इस फाइल को मैं आपको रिकवर करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप वंडरशेयर के रिपेयर इट सॉफ्टवेयर से आप अपनी करप्टेड वीडियो फाइल्स एज वेल एज ऑडियो फाइल्स को जो अनयूजेबल हो जाती हैं उनको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मुझे पता चला था जब मैंने लास्ट टाइम वंडरशेयर के रिकवर इट सॉफ्टवेयर के वीडियो जो मैंने बनाई थी कि आप कैसे अपने करप्टेड डाटा को रिकवर कर सकते हैं, उसकी वीडियो का लिंक आपको टॉप राइट साइड में मिल जाएगा। तो तब मेरे को ये रिपेयर इट के बारे में पता चला था एंड मैंने खुद ट्राई किया ना, रियली लव कि इसने एक्चुअली में उस फाइल को जो मैंने अभी आपको दिखाई थी जो आधी करप्ट थी, जो 10 साल से मेरे पास आधी करप्टेड पड़ी हुई थी, उसको भी इसने अच्छी तरह रिकवर कर दिया था। तो चलिए खोलता हूं मैं सबसे पहले अपना वंडरशेयर सॉफ्टवेयर और इस वंडरशेयर सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। एज आई सेड कि आप अपनी फोटोज एज वेल एज आप वीडियोज दोनों को आप जो है रिकवर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं इसमें। उसी के साथ साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक फ्री ऑनलाइन वाला सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप यहां पे करिए क्योंकि ये ज्यादा बेटर अच्छा काम करेगा और आपको अच्छे ज्यादा रिजल्ट भी देगा। तो जब आपका सॉफ्टवेयर खुलेगा आपको कुछ इस तरीके का लेआउट दिखेगा जहां पे लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा वीडियो रिपेयर, फोटो रिपेयर एंड फाइल रिपेयर। तो आप डॉक्यूमेंट्स या दूसरी जो फाइल्स होती हैं आप उनको भी रिपेयर कर सकते हैं, जो आपकी फोटो या इमेजेस होती हैं आप उसको भी रिपेयर कर सकते हैं और आप अपनी वीडियो फाइल्स को भी इसके अंदर रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा लेआउट है, बहुत ज्यादा चीजें आपको इसमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हम सबसे पहले करते हैं यहां पे फोटो रिपेयर और मैं यहां पे जाऊंगा ऐड वाले बटन पे, आपको क्लिक करके उस फोल्डर या और उस फाइल के ऊपर है जहां पे आपकी वो करप्टेड फाइल जो है वो पड़ी है। तो यहां पे आपको करप्ट फोटो फाइल्स के अंदर वो फोटोग्राफ दिखेगी जो मैंने आपको दिखाई थी और यहां से मैं उसको सिलेक्ट करके ओपन करूंगा। अब यहां पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो पहला मेथड ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक फोटोग्राफ है आप उस एक फोटोग्राफ को डाल के यहां पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बंच ऑफ फोटोग्राफ क्लिक करी है, आपके पास दो तीन फोटोग्राफ है या अगर आपने वीडियो फाइल्स क्लिक करी है तो आपके पास सेम टाइम की सेम एग्जिफ की सेम एवरीथिंग की आपने कोई और भी वीडियो उस वक्त बनाई थी जो आपके पास पड़ी है, जो कि आप एक एज अ सैंपल आप इस सॉफ्टवेयर को बता सकते कि ये आप फोटो या वीडियो फाइल आप यूज कर सकते हैं एज अ सैंपल जिससे आप रिकवर कर सके, तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है, यहां पे आपको दिखेगा एडवांस रिपेयर मोड, आपको उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहां पे रिपेयर दबाएंगे ये आपसे वो NEF फाइल पूछ रहा है क्योंकि हम अभी फोटो रिपेयर में है, जब आप वीडियो में होंगे तो वो आपसे MP4 पूछेगा। तो यहां पे आप वो वाली फाइल डालेंगे, ब्राउज करेंगे जो आपने उसी वक्त उसी टाइम पे क्लिक करी थी, ताकि इस सॉफ्टवेयर को आइडिया हो जाए कि ये एक सैंपल है और इस फोटो की सैंपल से हमें ये वाली फोटो जो है वो रिकवर करनी है। अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि इस फाइल का मेरे पास कोई सैंपल नहीं है, तो आप इसको अनक्लिक कर सकते हैं और नीचे जाके इसको भी ऑफ कर सकते हैं और अब यहां पे आप रिपेयर दबा सकते हैं। आप जैसे ही रिपेयर दबाएंगे यहां पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी फोटो जो है या वीडियो जो है वो रिपेयर हो चुकी है एंड देन यू कैन प्रेस द ओके बटन। और यहां पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप जब प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको तीन चार ऑप्शंस दिखाएगा जो इस सॉफ्टवेयर को लगे हैं जो उस कार्ड में उस वक्त थे। तो अगर आप देखेंगे ये मेरी एक्चुअल फोटोग्राफ है जो मैंने क्लिक करी थी, आपको JPG मिल रही है। उसके अलावा इसने सेकंड फोटोग्राफ जो मैंने क्लिक करी थी वो भी इसने रिकवर कर लिया क्योंकि हमारे कार्ड्स के अंदर जब हम रिकवर करते हैं तो काफी सारा डाटा उसके अंदर होता है। उसके अलावा आपको नीचे कुछ थंबनेल दिखेंगे जो छोटे हैं, यहां पे आपको रेजोल्यूशन दिख रहा होगा कि किस रेजोल्यूशन में वो रिकवर कर रहा है। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहां पे .NEF भी दिखेगा लेकिन वो मिसिंग दिखा रहा है, तो आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो .NEF फाइल है वो आपकी रिकवर नहीं हो पाती। 90% केसेस में मुझे लगा कि वो नहीं हो पाती,
पाती, बट 10% में वो हो जाती है। तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाकी फाइल्स को अनचेक करूंगा और इस वाली फाइल को भी अनचेक करूंगा क्योंकि ये वाली फोटो नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं JPG एज वेल एज .NEF को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा और यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस फोल्डर के अंदर वो फोटो जो है वो सेव करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक रिपेयर का फोल्डर बना दिया है, रिपेयर के फोल्डर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा सेव। एंड यहाँ पे मेरी वो दोनों फोटोग्राफ जो है वो उस फोल्डर में सेव होना शुरू हो गई है और सेव होके ये आपकी फोटोग्राफ खुल गई है। तो हम सबसे पहले खोल के देखते हैं रॉ फाइल को। Adobe Lightroom के अंदर जाएंगे हम और यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। हम दोनों फाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, JPG देखिए .NEF एंड .JPG यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और जैसे हम डेवलप वाले ऑप्शन पे गए तो आप देखेंगे कि रॉ फाइल इसने यहाँ पे रिकवर नहीं करी है, जो रॉ फाइल है वो अभी भी करप्टेड दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं JPG सेलेक्ट करूँ यहाँ से तो आप देखेंगे इसने पूरी अच्छी तरीके से, लेट मी रोटेट इट, इसने देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए डिटेल्स पूरी निकाल दी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसने रिपेयर करी। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं आप Lightroom के अंदर तो आप इजीली इसको आप एडिट अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए कितने इजी तरीके से Wondershare रिपेयर इट ने आपकी एक करप्टेड फाइल को रिपेयर कर दिया। सो ये थी मेरी वीडियो अबाउट कि आप कैसे अपनी करप्टेड फाइल्स को रिपेयर कर सकते हैं Wondershare रिपेयर इट सॉफ्टवेयर से। इसी तरीके से आप फाइल्स को, डॉक्यूमेंट फाइल्स को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो आप वीडियो, फोटो एज वेल एज डॉक्यूमेंट, डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को Wondershare रिपेयर इट सॉफ्टवेयर से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने PC पे इंस्टॉल करके अपनी करप्टेड, अपनी अनयूजेबल फाइल्स को रिपेयर कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गिव अ थम्स अप। अगर आप न्यू हैं मेरे YouTube चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनका डाटा करप्ट हो चुका है, जो अपनी फाइल्स को इस तरीके से रिपेयर करना चाहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, स्टे एट होम एंड बी सेफ।